सो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेलोडीज़ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा, आपको मिक्स कैसे करना होता है, कितनी मेलोडीज़ आपको बनानी है, MC10 की तरह मेलोडीज़ बनाने के लिए आपको किस तरह से उसकी अरेंजमेंट करनी है। और अगर किसी को अपने गाने के लिए बीट चाहिए या मिक्सिंग मास्टरिंग करानी है, मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मेलोडी बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि उसके बाद क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पियानो की साउंड ले रहा हूँ। यह हम कीबोर्ड में गए और यहाँ पर आपको क्लोज ग्रैंड दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मेलोडी बनाएंगे। देखिए किस तरह से मैं एक मेलोडी बनाता हूँ। मेलोडीज इस आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस तरह से उसकी जो अरेंजमेंट है वो आपको किस तरह से करनी है। जैसे जैसे मैं मेलोडी बनाता रहूँगा आपको बताता रहूँगा कि किस किस पॉइंट पे आप गलती करते हो, तो वीडियो देखते रहना, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करके तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप देखिए। तो ये तो हमारी सिंपल मेलोडी बनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर और मेलोडीज डालेंगे, ऊपर के नोट की तरफ या नीचे के नोट की तरफ। हमको इसको पूरा फिल करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी सारी बढ़नी है, लो भी बढ़नी है, मिड भी बढ़नी है, हाई भी बढ़नी है। तो ये तो रूट मेलोडी हो गई। रूट मेलोडी वो होती है जो मेन मेलोडी होती है। तो हमने ये बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे और मेलोडीज़ इस पर और अरेंजमेंट बनाएंगे। अब आप देखिए मैं किस तरह से करता हूँ।
अब हम इस पे लो में देखेंगे कि हम इस पे लो में भी कुछ जो नोट्स है वो डाल सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो ये हमारी एक मेलोडी पियानो की बन चुकी है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब जैसे हमने इसको दबाया तो दबाने में उस पर कितनी हमारे पावर लगी, हमारे उंगलियों की जान लगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी देखने के लिए क्या करते हैं, जो ये आपको किनारे से छोटा सा सफ़ेद रंग का एक सर्कल दिख रहा है, इसको ऊपर उठाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं सबकी वेलोसिटी बराबर है। अगर ये वेलोसिटी बराबर होती मेलोडीज़ की तो आपका जो साउंड है वो पूरा कैसा साउंड करता है, रोबोटिक साउंड करता है, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे, जिससे ऐसे लगेगा कि कोई ह्यूमन प्ले कर रहा है, कोई आदमी बजा रहा है, वरना कैसे लगेगा, रोबोटिक लगेगा। तो हमेशा वेलोसिटी को क्या करना है, जब भी मेलोडी बनाओ तो उसको ऊपर नीचे हल्का सा करो। अब इसको एक बार सुन के देखते हैं। जो उसकी वेलोसिटी थी उसको हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ करके सही करी है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इसकी जो मिक्सिंग है, जो हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे, जो इक्वलाइजर लगाएंगे, क्या सोच के लगाएंगे, क्योंकि हमने इस पर किक भी ऐड करनी है, इस पर बेस भी ऐड करना है। आपको पता वो सब कहाँ होता है, लो फ्रिक्वेंसी में होता है। तो हमको क्या करना है, जो इसकी जो लो फ्रिक्वेंसी है थोड़ी सी काटनी, ज़्यादा नहीं काटनी। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेचर है, हमको उसको नहीं छेड़ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी किक के लिए और बेस के लिए इस पर क्या करेंगे, थोड़ी सी लो फ्रिक्वेंसी कट करेंगे। देखो कैसे, बस ज़्यादा नहीं छेड़ना। अगर आपको स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इफेक्ट को दबा के लगा देते हैं। रोबोटिक से साउंड करता है, बिल्कुल प्लास्टिक साउंड करता है। इसके बाद हम अगली मेलोडी लेंगे, देखते हैं अगली मेलोडी हम किस चीज़ की लेते हैं। तो हम लेंगे एक गिटार की, गिटार में हम नायलॉन गिटार लेंगे, क्योंकि जो हमारे पियानो और गिटार होती है इन दोनों से ही हमारी मेलोडीज़ अच्छी बन जाती है। आपको बस बनाने आनी चाहिए, वरना आप 10 भी साउंड ले रहे तब भी आपकी साउंड अच्छी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पियानो को बजा के रखना है, और बजते बजते सुनते सुनते आपको क्या करना है, अपनी मेलोडी तैयार करनी है। ऐसे नहीं कि आपने उसको ऑफ़ कर दिया फिर बना रहे हो, तो ऐसे में मेलोडी कभी अच्छी नहीं बनेगी। तो क्या करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए, देखिए।
ये हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं क्या करेगा, ये एक दूसरे साउंड के ऊपर आएगा, लेयर करेगा, क्लैश करेगा, जैसे साउंड अच्छी नहीं आएगी। ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।